हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। इन टुडेस क्लास वी विल प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.3। टिल नाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट सेक्शन, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 22 है, ये जो हमारा लास्ट सेक्शन था इस एक्सरसाइज का, वो हमने कंप्लीट किया था। अब एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैंने दो पार्ट्स में कंप्लीट करवाया था। फर्स्ट सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 किया था, और सेकंड सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 22 किया था। अभी तक अगर आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं किया है, अपना प्रॉपर एनालिसिस नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 12 की फॉर द सेशन 2023-24। बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में जो हमें स्टार्ट करना है वो एक्सरसाइज 3.3 कर लिया। अब ये न्यू एक्सरसाइज है तो नया कंसेप्ट भी होगा, तो चलिए पहले समझते हैं कि इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्या है। जहां तक कंसेप्ट की बात है, थोड़ा सा आपको यहाँ एक वर्ड दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोज। तो यही इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है इस एक्सरसाइज में, जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर वे सीबीएसई में काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की चांसेस है। पहले मैं कंसेप्ट को समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो जहां तक जैसे कि मैंने कहा कि इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। तो देखो, जहां तक ट्रांसपोज की बात है, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। अब इंटरचेंजिंग का क्या मतलब होता है कि भैया जो रोज है उनको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उनको रोज बना, ये मतलब होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, इसकी जो फर्स्ट रो है वो है 2 4 9। मैंने क्या कहा, जो रो है उसको कॉलम बना दो। अगर फर्स्ट रो 2 4 9 है तो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसमें जो फर्स्ट कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम है वो 2 4 9 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो, इस मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है वो क्या 6 8 3। अब इस मैट्रिक्स की जो सेकंड रो 6 8 3 है, तो इस मैट्रिक्स का जो इसका ट्रांसपोज होगा उसमें सेकंड कॉलम जो है वो आपका 6 8 3 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है, ट्रांसपोज को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या एक ए डैश। तो 11th क्लास में आपका सेट चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट का साइन होता था, वो यहाँ पर 12th क्लास में आके वो आपका साइन बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर आप इस तरह से डैश लगा देते हो 12th क्लास में, तो वो आपका हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कंपेयर टू 11th क्लास, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होता था। इस तरह से हम उस चीज को करते थे, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। 12th क्लास में जब हम ट्रांसपोज के क्वेश्चन करते हैं तो वही सेम सिंबल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो जो आप 11th क्लास में सेट के लिए यूज करते थे। और यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब आप ये देखो कि जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, रो बाय कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम, तो 2 बाय 3 है। लेकिन जो इसका ट्रांसपोज, अब इसका ऑर्डर देखो, आपने क्या किया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ देखो, 1 2 3 3 रोज, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 बाय 2। कहने का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होता है वो उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ एम बाय एन है तो यहाँ पर एन बाय एम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन बाय एम। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही आपको बताया गया है कि भैया जो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसके ट्रांसपोज में क्या होता है, वो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जो एम बाय एन होगा, यानी कि जो आपका रो बाय कॉलम था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम बाय। जैसे कि अगर आपका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का 3 बाय 2 है, उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 बाय 3। मीन्स जो यहाँ पर कॉलम है वो यहाँ रो बन जाएगा, और जितने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है वो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो मैंने आपको कहा ही है कि आप चैट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर देना। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग एनालिसिस से पहले जो भी आपका डाउट होगा, पहले मैं उसको ही लूंगा, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलो सर, अब जो चीज मैं आपको कह रहा था, जो कि आज क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। बहुत ध्यान से रिलैक्स होकर समझना है। देखो, अगर आप दो मैट्रिक्स का, जैसे ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, अगर मैं दो मैट्रिक्स के सम का होल ट्रांसपोज करता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर आप दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का आप होल ट्रांसपोज करते हो, लाइक ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आई होप यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई होगी। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रिवर्स, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक्स वाई होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो आप क्या कहोगे, वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। समझ में आ रही मेरी बात? इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ वाई जेड होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो आप क्या कहोगे, जेड ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है के ए होल ट्रांसपोज। जैसे कोई कॉन्स्टेंट है उसके साथ एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर आप होल ट्रांसपोज निकालते हो, तो कॉन्स्टेंट में तो कोई ट्रांसपोज होगा ही नहीं, इसको आप एज इट इज लिखोगे, बाकी ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही आपको बताया गया कि के यानी कॉन्स्टेंट, ए होल ट्रांसपोज, कॉन्स्टेंट का कोई ट्रांसपोज नहीं होता तो इसको एज इट इज लिखोगे, और साथ में हो जाएगा एट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सेवन ए होल ट्रांस, तो सेवन तो कॉन्स्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा और साथ में आ जाएगा ए ट्रांस। ये प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज किसी भी ट्रांसपोज का, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर आप डबल ट्रांस, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 5, राइट। अब आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है जी। तो फर्स्ट रो को आपने बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को आपने बना दिया सेकंड, फिर आपको कहा गया कि दोबारा इसका ट्रांसपोज करो, तो आपने इसे ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज किया, तो फिर आपने फर्स्ट रो को क्या बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को क्या बना दिया सेकंड। जैसे ही आपने किया आप देख सकते हो ये एक क्या, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया कि डबल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है, किसी भी ट्रांसपोज का अगर हम फिर ट्रांसपोज करते हैं या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर 2 बार किया जाता है तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वली आता है। तो ये तो था इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट, और आई होप कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो गया होगा तो चैट बॉक्स में शेयर कर देना, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग एनालिसिस में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ये मैं आपको बार बार हर क्लास में बोलता हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.3, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। आज के सेक्शन में मैं 6 क्वेश्चन लूंगा और नेक्स्ट सेक्शन में 7 to 12, आधे क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ तो सो दैट आप भी आराम से इसको कर पाओ, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको दोबारा ले पाऊँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज पे क्या करना होता है भैया, जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगी, ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ये आपका फर्स्ट, तो ये क्या है आपकी, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड। अब इसको ऐसे समझो, या आप ऐसे समझो इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो जो आपका फर्स्ट कॉलम, जो ये कॉलम है इसको रो बना दो, जो ये आपका कॉलम है इसको क्या बना दो, रो बना दो। तो कॉलम को आपने रो बना दिया, 5 1/2 -1, ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया ट्रांसपोज, और ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। मैट्रिक्स की जो सिंबल है वो गिवन नहीं है, तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे हमने इस मैट्रिक्स को ए लिया था, तो इस मैट्रिक्स को हम बी ले लेते हैं, लेट द बी बी द गिवन मैट्रिक्स। अब क्या है, फर्स्ट रो क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्या हो जाएगी सेकेंड। तो देखो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम, ये तो आपकी गिवन मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज, या तो उसको बी और कैपिटल टी, और आप उसको लिख के बी डैश। तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो क्या हो जाएगा सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट क्या है, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, लेट द मैट्रिक्स बी सी, आपने इसको सी ले लिया। अब क्या होगा, जो फर्स्ट रो है आपका फर्स्ट रो, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, जो आपका सेकेंड रो है ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम, और जो आपका थर्ड रो है, जो आपका थर्ड रो है ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। आई होप आपने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हम अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो मैट्रिक्स ही बने, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है। आपको वेरीफाई क्या करना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, अब ये प्रॉपर्टी है, पढ़ चुके। देखो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाए वो प्रॉपर्टी ही होगा, जहां प्रॉपर्टी नहीं होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा ये प्रॉपर्टी नहीं है, हमें वेरीफाई तो करना लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं। जैसे यहाँ तो ये प्रॉपर्टी, अभी आपको मैंने बताया था कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज या फॉर दैट मैटर ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, ए प्लस बी निकालना होगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। जैसे आप ए प्लस बी निकालोगे फिर आपको उसका होल ट्रांसपोज, फिर राइट हैंड साइड में आओगे ए से ए ट्रांसपोज निकालोगे, बी से आप बी ट्रांसपोज निकालोगे, दोनों को आप सम कर दोगे और ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो चलो करते स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड किया, ए प्लस बी।
देखो अपनी तरफ से जो मैंने ये आपकी अपने ये जो आपकी प्रेजेंटेशन बनाई है, बार बार आपको मैंने सारी जो वैल्यूज है वो साथ साथ में रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो अब ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहले ए प्लस, आपने क्या किया ए प्लस टू, देखो -1 -2 -5, 2 + 1 ये हो गया आपका 3, और 3 - 5 ये हो गया -2। क्लियर है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करोगे। तो यहाँ पर देखो 5 + 1 ये हो गया आपका 6, 7 + 2 ये हो गया आपका 9, और 9 + 0 ये आपका हो गया 9। ये भी क्लियर है, आगे आ जाओ। अब थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट -2 + 1 ये हो गया -1, 1 + 3 ये हो गया आपका 4, और 2 + 1 ये हो गया आपका, तो ये प्लस भी आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड क्या आपकी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। जब ये आपका ए है, अब आपको क्या फाइंड करना है ए ट्रांसपोज, तो देखो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड रो क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, थर्ड रो क्या हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम, ये हो गया थर्ड। चलो जी ये भी हो गया। अब बी से आप निकालेंगे बी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो आपका क्या हो जाएगा थर्ड, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज क्या। ठीक है, अब ये आपका ग्रुप, दैट्स व्हाट वी हैव राइट। तो देखो ए प्लस बी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो ये आपकी वैल्यू ए प्लस बी की है। और ए प्लस बी से आप ए प्लस बी होल ट्रांसपोज कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट रो को आप कर दोगे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो आपकी हो जाएगी सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो आपकी हो जाएगी थर्ड कॉलम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आप निकाल चुके हो, राइट हैंड साइड है क्या आपकी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये उसकी वैल्यू है। तो देखो -1 - -5, 5 + 1 दैट इज 6, और -2 + 1 ये हो गया माइनस, देन 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 7 + 2 ये हो जाएगा 9, और 1 + 3 ये हो जाएगा 4, देन 3 - 5 ये हो जाएगा -2, 9 + 0 ये हो जाएगा 9, और 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो आप चेक कर सकते हो ये आपका इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो जहाँ अगर आप यहाँ देखें तो ये आपकी वैल्यू क्या है -5, 6, -, यहाँ आप देखो ये भी फर्स्ट रो जो आ रही है आपकी वो यही आ रही है -5, 6, -। इसके बाद सेकेंड रो जो है आपकी, सेकेंड रो जो लेफ्ट हैंड साइड की है वो क्या है 3, 9, 4 और -2, 9, 3, 9, 4 और -2, 9। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें भी चेक कर लेते हैं, उसमें भी आप देखो ये आ रही है आपकी 3, 9, 4 और -2, 9, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फर्स्ट पार्ट आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट टू, अब हम चलते हैं पार्ट टू, ये आपका पार्ट टू है। पार्ट टू में आपको वेरीफाई करना है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, यानी कि जो सेकंड प्रॉपर्टी थी इसी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी जब बताई थी तो कैसे बताया था ए प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज वेरीफाई हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो अगेन वैल्यू ऑफ ए एंड बी हैज बीन गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस, ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, -1, -4, -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3, देन 2 - 1 ये हो जाएगा 1, और 3 - 1 क्या हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा -5 - 1 ये हो जाएगा 4, 7 - 2 ये हो जाएगा 5, 9 - 0 ये हो जाएगा 9, देन -2 - 1 ये हो जाएगा -3, 1 - 3 ये हो जाएगा -2, और 1 - 1 ये हो जाएगा आपका 0। इसी तरह से ए से आप ए ट्रांसपोज निकालो, राइट हैंड साइड के लिए आपको चाहिए ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो देखो फर्स्ट रो हो जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हो जाएगी सेकंड कॉलम, और थर्ड रो हो जाएगी थर्ड। ठीक है, इसी तरह से जब आप बी से बी ट्रांसपोज निकालोगे, जब आप बी से बी ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -4, 1, -5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1, 2, 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1, 3, 1, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप इसको चेक कर लो, कुछ ऐसे ही आ रहा है हमारा, ये देखिए।
ये अब आप इसको चेक कर सकते हो। देखो -411 -411 123 123 और -508, चलो जी ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज है। अब ए माइनस बी तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं और लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, जो आपकी सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, और जो आपकी थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी। अब हम निकालना है हमें राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या कहा गया है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो भैया ये आपका ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर, तो फोर माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री, चलो ठीक है। पाई माइनस वन क्या हो जाएगा फोर, माइनस टू और माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री, चलो ये आगे चलते हैं। टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, सेवन माइनस टू क्या हो जाएगा फाइव, और वन माइनस थ्री क्या हो जाएगा आपका माइनस टू, देन थ्री माइनस माइनस है देखो ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगा एट, नाइन माइनस जीरो क्या हो जाएगा नाइन, और वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, ये भी हो गया क्लियर। अब आप चेक करो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू अगर आप चेक करो सेम आ रही है, ये भी क्या आपका थ्री फोर माइनस थ्री, थ्री फोर माइनस थ्री, वन फाइव माइनस टू, वन फाइव माइनस टू, एट नाइन जीरो, एट नाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए माइनस, आपने प्रूफ कर दिया कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और इसी के साथ तो सेकेंड पार्ट है ये भी हमारा वेरीफाई हो, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री भी कुछ ऐसा ही है आपका जैसा अभी किया आपने, ए ट्रांसपोज गिवन है, थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाना आपको, यहाँ वो कह रहा है ए प्लस बी, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर किसी भी ट्रांसपोज का किसी भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज को अगर आप डबल ट्रांसपोज कर देते हो देन यू विल गेट द मैट्रिक्स अगेन, तो आपको यहाँ ए चाहिए, तो एक इसके लिए क्या करना होगा आप इसका दोबारा ट्रांसपोज, तो जब इसका दोबारा ट्रांसपोज करोगे किसी भी मैट्रिक्स का जब दो बार ट्रांसपोज होता है तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आया था जो मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखाया था। तो आपको पहले ए फाइंड करना है तो डबल ट्रांसपोज करोगे, तो डबल ट्रांसपोज करने का मतलब जो यहाँ पर आपका फर्स्ट रो है वो यहाँ आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो क्लियर है सारी चीज, ठीक है। तो आपके पास ए आ गया, आपके पास बी आ गया, फर्स्ट ही क्या करना है ए प्लस बी निकालना है, और राइट हैंड साइड से ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से आपको निकालना है बी ट्रांसपोज, फिर आपको वैल्यूज पुट करनी है, और उसके बाद यू विल हैव योर आंसर। देखो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। अब आपके पास बी भी है और ए भी है, अब आपके पास बी भी है और ए भी है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए थ्री माइनस वन दैट इज टू, माइनस वन प्लस टू दैट इज वन, और जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा ये क्लियर हो गया, देन फोर प्लस वन दैट इज फाइव, टू प्लस टू दैट इज फोर, और वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा आपका, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो क्या करोगे जो आपका फर्स्ट रो है इसको बना दो फर्स्ट कॉलम, जो आपका सेकेंड रो है ये हो जाएगा सेकेंड, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो देखो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा थ्री माइनस वन जीरो, हालांकि क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, और सेकेंड रो आपकी हो जाएगी सेकेंड, तो ये हो गया आपका। इसी के साथ आपका बी ट्रांसपोज में भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, बी ट्रांसपोज में भी हम क्या करेंगे जो हमारा ये फर्स्ट रो है ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और जो हमारा ये सेकेंड रो है ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्या होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो दोनों को ऐड करो थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फोर प्लस वन क्या हो जाएगा फाइव, माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा वन, और टू प्लस टू क्या हो जाएगा फोर, देन जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा वन, और वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, तो आप देख सकते हो कि ये जो आपकी वैल्यूएशन है ये आपकी सेम आ रही है, जैसे कि यहाँ पर देखो आप ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज वो क्या था टू फाइव वन फोर वन, और राइट हैंड साइड जो आई है आपकी वो भी क्या है टू फाइव वन फोर वन, मीन्स आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरी वन, हैंस वेरी वन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट टू, पार्ट टू में क्या वेरीफाई करना है,
अगर आप पार्ट टू में आओ, पार्ट टू में आपको वेरीफाई इसी तरह से करना जैसे ही क्वेश्चन नंबर टू में था, दैट ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखो भैया, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है। मैंने हर स्टेप के साथ प्रेजेंटेशन को इसी तरह से रखा हुआ ताकि साथ साथ में कैलकुलेशन हो जाए और आपको ऐसा ना लगे कि ये चीजें आ कहां से। तो देखो, जब आप ए माइनस बी निकालोगे तो थ्री, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो ये हो जाएगा फोर। फिर माइनस वन और माइनस टू, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस थ्री। और फिर हो जाएगा जीरो माइनस वन, ये हो जाएगा आपका माइनस। ऐसे ही देखो आगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फोर माइनस वन दैट इज थ्री, टू माइनस टू, टू माइनस टू दैट इज जीरो, और वन माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस टू। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है ए माइनस बी होल ट्रांस। तो ये जो फर्स्ट रो है आपकी, फर्स्ट रो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम, और जो आपकी ये सेकेंड रो है ये क्या हो जाएगी, सेकेंड कॉलम। तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज भी आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो, ये आपका ए है, ये आपका ए है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखो थ्री माइनस वन जीरो, इसको सेकंड कॉलम में लिखो फोर टू। हालांकि ए ट्रांसपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपको बार बार कह दूँ। फिर बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या है आपका, बी की वैल्यू चेक देखो क्या है आपकी, देखो ये आपका बी है, दिस इज योर बी। तो बी ट्रांसपोज, तो जो फर्स्ट रो है आपका ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और जो आपका सेकेंड रो है ये आपका सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे, व्हाट वी विल हैव, थ्री और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, फोर। देन फोर माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, थ्री। देन माइनस वन और माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री, और टू और माइनस टू, ये हो जाएगा जीरो। एंड देन जीरो माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, और वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस। आप चेक कर सकते हो वैल्यू सेम आ रही है, फोर थ्री माइनस थ्री जीरो, माइनस थ्री जीरो, और माइनस वन माइनस टू, कैन सी दैट इज इक्वल। क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर। एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज अगेन, आपको ए मैट्रिक्स गिवन ही है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है, तो आपको ए प्लस टू गिवन, सिंपल है। पहले तो ए ट्रांसपोज से हम ए निकालेंगे, क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे कि आपको ए ट्रांसपोज गिवन है और बी गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एंड फ्रॉम हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टू बी, यानी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। टू से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट्स को टू से मल्टीप्लाई करना होगा, मैंने कंसेप्ट में पहले भी आपको बताया हुआ है। दोनों को ऐड करोगे तो ए प्लस टू भी आ जाएगा, फिर उसका होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। यहाँ वेरीफाई नहीं करना आपको, वैल्यू फाइंड करना, मेरी मेरी बात, ठीक है। चलो चलते हैं फिर। तो देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ए प्लस टू बी होल ट्रांसपोज, जैसे कि आपको पता है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज क्या होता है आपका, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट, इस क्वेश्चन को अगर मैं ये प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, तो कैन आई से दैट ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस टू बी होल ट्रांसपोज, ऐसे होगा, ठीक है। एंड देन वी नो दैट के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, के ए ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, अब भैया ये कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा टू बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। बेसिकली आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज आपको ऑलरेडी गिवन है, तो देखो यहाँ से अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो आपका क्वेश्चन पहले नॉर्मल अप्रोच से ज्यादा ईजी। अदरवाइज आपको पहले यहाँ से ए फाइंड करना पड़ता है, यहाँ से टू बी। अब डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, बी ट्रांसपोज आप फाइंड करो। तो देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आप डिफरेंट अप्रोचेस, किसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के डिफरेंट मेथड सीखते हो, बट बाय प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस, इट्स नॉट लाइक कि देखा और आपको समझ में आ गया। तो पहली अप्रोच जो जैसे मैंने आपको बताया वो क्या थी, कि भैया एक मेथड तो जनरली जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, ए ट्रांसपोज से आप ए निकालोगे, फिर इससे टू बी निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे। तो दूसरी अप्रोच जो मैंने आपको बताई, आप प्रॉपर्टी यूज करो, तो उसमें क्या होगा, ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, और टू बी ट्रांसपोज को जब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, के ए होल ट्रांसपोज ये, तो ये हो जाएगा के ए ट्रांसपोज। तो आपको बस बी ट्रांसपोज की वैल्यू करनी है, ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन है,
बी ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 1 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप वैल्यूएशंस पुट करोगे तो इस तरह से आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज, ये हो गया बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो तो ए प्लस टू की होल ट्रांसपोज यही हम फाइंड कर रहे हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो 2 × -1 -2, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका। यहां तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब -2 -2 -3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, और 2 + 4 क्या हो जाएगा आपका 6। और यहाँ क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया आपको, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांस। अब अगेन ये प्रॉपर्टी है कि जब हम दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन का होल ट्रांसपोज करते हैं तो इट इज इक्वल टू रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांस, वो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है रिवर्स हो जाता है। तो देखो ए गिवन है बी गिवन, आपको वेरीफाई ये करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो जब आप ए बी फाइंड करोगे तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा माइनस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 1 क्या हो जाएगा। चलो जी हो गया, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -4 -1 दैट इज 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 × 2 -8, एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम -4 × 1 क्या हो जाएगा -1, ये भी हो गया आपका। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × -1 क्या हो जाएगा -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 × 1 क्या हो जाएगा आपका 3। अंदर सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया ये। अब आपको करना है ए बी होल ट्रांसपोज, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है आपका ए बी होल ट्रांसपोज। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट -1 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 - 8 - 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 6 3, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब राइट हैंड साइड का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी से पी ट्रांसपोज, तो ये जो रो है इसको कॉलम में लिखो तो ये हो गया बी ट्रांसपोज, और ये जो कॉलम है इसको रो में लिखो तो ये हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज। कॉलम है 1 - 4 3, मीन्स बेसिकली ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो मैट्रिक्स बना दिया उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, और रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, 1 कॉलम इसमें है क्या, इसका ऑर्डर देखोगे तो 3 by 1 है, तो ये क्या है 1 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको ट्रांसपोज करोगे क्या होगा 1/3 रो मैट्रिक्स, ये आपका हो गया रो मैट्रिक्स। तो ये हो गया ए ट्रांस, ये आपका रो मैट्रिक्स है क्योंकि 1 रो 3 कॉलम, तो जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो 3/1 होगा, यानी कि रो मैट्रिक्स आपकी कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स आपकी कन्वर्ट हो जाएगी रो मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 - -1 × -4 4, एंड -1 × 3 - 3, ये कहानी क्लियर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 दैट इज 2, 2 × -4 - 8, और 2 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 6, समझिए ये भी हो गया। देन 1 × 1 1, 1 × -4 - 4, और 1 × 3 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तक क्लियर है चले आगे। ठीक है, तो अब चेक कर लो क्या ये इक्वल आ रहा है, तो देखो -1 4 - 3 -1 4 - 2 - 8 6 2 - 8 6 1 - 4 3 1 - 4, दैट इज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाई, ये आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह सब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या आपका, आपको ए बी गिवन है, कोई भी की बना सेकंड पार्ट का मतलब इसमें भी यही चीज प्रूव करनी है, आपको क्वेश्चन में दिखा भी देते हैं। देखो फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, आपको दोनों ही पार्ट्स में यही वेरीफाई करना है, सेम चीज आपको वेरीफाई करनी है, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो आपके पास ए और बी, अगेन आप ए बी फाइंड करोगे पहले तो क्या होगा 0 × 1 0, 0 × 5 0, 0 × 7 0, तो फर्स्ट रो को समय गोल के साथ कर दिया, सेकंड रो 1 × 1 1, 1 × 5 5, 1 × 7 7, ये भी हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम
2 × 5 10 एंड 2 × 7 हो गया आपका 40, ये हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए बी होल ट्रांसपोज, आपको क्या फाइंड करना है ए बी होल ट्रांसपोज। तो ए बी होल ट्रांसपोज क्या होगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 0 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 157, थर्ड रो थर्ड कॉलम 210। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है राइट हैंड साइड दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांस। तो भैया ये रो मैट्रिक्स है, क्या करोगे, कॉलम मैट्रिक्स, बुनियादी कॉलम मैट्रिक्स, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज में ये क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स। तो ये बन गया आपका रो मैट्रिक्स, मीन्स रो कॉलम और जो कॉलम है वो बन गया आपका इंटरचेंजेबल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 0 0, 1 × 1 1 और 1 × 2 2, देन 5 × 0 0, 5 × 1 5, 5 × 2 10, भी क्लियर हो गया। देन 7 × 0 0, 7 × 1 7, 7 × 2 14, भी क्लियर, ठीक है। चेक करो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, देखो आप यू कैन सी दैट ए बी होल ट्रांसपोज की जो फर्स्ट रो थी वो क्या थी, 0 1 2, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की फर्स्ट रो क्या, 0 1, देन 0 5 10, और ये हो गया 0 5 10, देन 0 7 14, 0 7। तो आपने प्रूव कर दिया दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम आते हैं आज की क्लास के अपना लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आपको वेरीफाई क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए जो होता है वो आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब क्या ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नहीं हो, बट ये चीज इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में वेरीफाई हो जाएगा, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत जगह पे जहां हम वेरीफाई करेंगे जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने जो स्टार्टिंग में बताई है वही प्रॉपर्टीज, उसके अलावा कुछ भी आ रहा है वो प्रॉपर्टीज नहीं, बस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में वो चीज प्रूफ हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो ये नहीं कि आप हर जगह इसको लगाओ, ये प्रॉपर्टी होगी तो हर जगह लगा सकते, जहां पे आपको लगे कि हाँ जी ये चीज अच्छी होती है। जैसे कहीं भी अब आपको ए ट्रांसपोज और ए मिलेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, बट हाँ वो होगा वैल्यूज कुछ क्वेश्चन में फंक्शंस की इस तरह से गिवन। तो देखो ए ट्रांसपोज इनटू ए, इसके इक्वल प्रूव करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ए ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इनटू ए एज इट इज लिखो आप इसको, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बट वी विल हैव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये सम करोगे तो वन आ जाएगा, फंक्शन इस तरह से गिवन है कि जब उसको अप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पर ऐसा हर केस में नहीं होगा, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। में बार बार क्या, फर्स्ट रो सेकेंड रो तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो क्या होगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलते हैं आगे। Now we know that cos square theta plus sin square theta, that is one. ये आपका कैंसिल होके जीरो आ जाएगा, ये आपका कैंसिल होके जीरो आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, तो ये आपने वेरीफाई कर दिया, यहाँ भी आपको सेम चीज सेकेंड पार्ट में वेरीफाई करनी है, A मैट्रिक्स गिवन है, आपको अगेन यही वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज A जो है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो आपको ए मैट्रिक्स तो गिवन है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, जो इसकी फर्स्ट रो है, जो इसका फर्स्ट रो है वो हो जाएगा फर्स्ट, और जो इसकी सेकंड रो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड, देन मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या होगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, देन सेकंड रो सेकंड रो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये भी हो गया, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा
देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये भी हो गया आपका। देन कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ये आपका कैंसिल होके क्या हो गया, जीरो। ये कैंसिल होके क्या हो गया, जीरो। ये आपका क्या होता है, वन, और ये आपका क्या होता है, वन। 1 0 0 1, तो क्या प्रूफ हो गया, दिस इज अ केस ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ आपने वेरीफाई कर दिया, और जो हमारा आज का टारगेट था मींस टोटल 12 क्वेश्चन है, और आज हमने अपने हाफ ऑफ द क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो गए। द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और हमारी एक्सरसाइज 3.3 को हम कंप्लीट करेंगे। बाय दैट टाइम आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर नोट्स रजिस्टर में। मैंने आपको कहा था कि दो रजिस्टर बनाना है, एक आपका होगा कंसेप्ट रजिस्टर, एक आपने बनाना है प्रैक्टिस रजिस्टर। कंसेप्ट रजिस्टर में सारे कंसेप्ट लिखोगे, प्रैक्टिस रजिस्टर में सारे क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी डाउट्स होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, और बिफोर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग एनालिसिस मैं पहले आपके जो डाउट है उनको क्लैरिफाई। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस, एंड डू इनफॉर्म योर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है। सो थैंक यू।